और एक दो बॉडी। देख वॉल के ऊपर, ब्रोकन वॉल के पास। तो भाई लोग क्या हालचाल, स्वागत है आपका अगेन एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और इस गेम प्ले वीडियो में भाई लोग हमारे 29 किल होने वाले हैं पूरी स्क्वाड के, और उसमें से भी 15 किल्स तो मेरे ही होने वाले हैं। तो मैच में आपको कतई जहर तबाही देखने को मिलेगी। और भाई बात करें अगर इस गेम प्ले की, तो इस गेम प्ले में आज हम जा रहे हैं थर्ड हिल, क्योंकि भाई थर्ड हिल बंदे आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो चलते हैं फिर थर्ड हिल। और भाई फर्स्ट फ्लोर में सिवाय VSS को छोड़ के मेरे को तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो स्कारल मिल जाती है। तो अब चलेंगे सीधा बंदों की तरफ, बट बंदों की तरफ जा ही रहे होते हैं कि सामने से मेरे को फुट स्टेप आते हैं। तो देखते हैं फिर यहीं से, खिड़की से मैं फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई नॉक नहीं होता, तो सीधा रश कर देते हैं अब उनके ऊपर। और मैं ऊपर जाता हूँ लेकिन वो लोग पहले ही कूद चुके थे और उनको मेरा एक टीममेट निपटा देता है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है, तो इसको धड़ पैंड नॉक करते हैं फिर। और नीचे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, उसको मारने के लिए मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन भाई ये बंदरों वाली हरकतें करने लगता है, तो थोड़ा हम भी कर लेते हैं फिर। वैसे मजाक कर रहा था मैं भाई, ये जंप एंड फायर कमाल की चीज़ है भाई। और भाई लोग थर्ड हिल में तो अब कोई बचता नहीं, तो सीधा निकलते हैं अब ड्रॉप की तरफ, क्योंकि भाई AWM चाहिए भाई। और भाई लोग मैंने तो सिर्फ गेस ही किया था, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को सच में AWM मिल जाएगी, तो पट से हेडशॉट तो देखने को मिलेंगे ही। और भाई आगे एक और ड्रॉप हुआ था, उसको हम लूटने जाते हैं, लेकिन तभी भाई एक गाड़ी में बंदा आके सीधे पेड़ पर ठोंक देता, तो पकड़ते हैं पहले इसको। तो भाई इस बंदे के पास कोई और चारा नहीं होता यहाँ से निकलने का, तो निकल ही रहा होता है लेकिन गाड़ी बैठ देता है, इसकी सबसे बड़ी गलती है। और यही होता है भाई ड्रॉप के लालची बंदों के साथ, कई बार मेरे साथ भी हो चुका है, मजाक की बात नहीं है। और भाई मरने के बाद भी गालियां अलग से पड़ती हैं कि भाई क्यों गया था, और अगर रैंडम हुआ तो वो हंसता अलग से है भाई। और भाई इस बंदे के साथ गैंग बैंग करने के बाद अब निकल चलते हैं बाकी बंदों को ढूंढने फिर। और स्टेडियम में चल रही होती है फाइट, तो सीधा जाके वहीं पर ठोंकते हैं। और ये अब ये सीन देखो भाई, ना चढ़ेंगे ना चढ़ने देंगे। और भाई यहाँ पे जो है मेरे पे M4 की एमओ की कमी होती है, तो अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये दूंगा। आप भी ये लोग स्क्वाड में ज़रूर करते होंगे भाई, डुओ में भी करते होंगे, वैसे सोलो में कर नहीं सकते ऐसा। और भाई आगे हमारा टीममेट बोटो के साथ अत्याचार कर ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आ जाती है स्टेडियम में रस करने, तो अब इनको भी पकड़ते हैं। बट भाई यहाँ पे मैं सिर्फ डैमेज ही दे पाता हूँ इनको, और किल तो कोई और ही ले जाएगा। ये देखो आप इस बंदे को भी डैमेज देता हूँ भाई, पूरी पूरी बोटो वाली हरकतें कर रहा होता हूँ मैं सिर्फ। और भाई यहाँ पे मैंने बोटो वाली हरकतें इसलिए बोला क्योंकि भाई डैमेज तो बोट भी देते हैं, और असली प्लेयर वही होता है जो किल चुराता है, चुराते हैं किल। मजाक कर रहा भाई, यहाँ पे तो मेरे से किल भी चोरी नहीं होगी। और इन बंदों को तो हमारा टीममेट फिनिश कर देता, लेकिन मेरे को नीचे से फुट स्टेप आ रहे होते, तो पकड़ते हैं अब उसको भी। और शायद ये वही बंदा है जिसको मैंने शुरू में डैमेज दिया था, हाँ वही है। और भाई अब आप ये सीन देखो, मतलब एक स्क्वाड ख़त्म नहीं हुई कि एक बॉट जरूर आएगा। और भाई मैं आगे जा ही रहा होता हूँ कि ऊपर मेरे को कुछ काला काला दिखता है, लेकिन जब स्कोप इन करूँगा तो वो सिर्फ एक हेलमेट होता है। मेरे को पहले लगता है कि ये बंदा है, लेकिन जैसे देखता हूँ तो एक हेलमेट ही होता है खाली। और भाई अब आप ये देखो, बंदा मज़े में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए जा रहा था, लेकिन अब भाई ये जोन की जगह सीधा लॉबी जाएगा। तो भाई अब चलते हैं इसकी करेट लूट में, क्योंकि भाई अगर पेटी बनाई है तो लूटना तो पड़ेगा भाई। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा हो इसने अपनी पेटी में, मजाक कर रहा भाई। ओपन में आप कभी मत लूटना मेरी तरह, वो मेरी बात अलग है भाई। एक बार करेट खोले बिना मतलब दिल को चैन ही नहीं मिलता भाई, और कई बार तो ये सीन करते करते आपकी सीधा पेटी बन जाएगी भाई, नोक भी नहीं होगी आपकी, सीधा पेटी बना दी जाएगी, क्योंकि भाई ओपन में
क्या पता भाई कोई गाड़ी चढ़ा के निकल जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना भाई। किसका फुटपाथ की ट्रेनिंग किसी की ज़्यादा अच्छी हो तो भाई गाड़ी भी चढ़ा सकता है। और भाई सामने मेरे को एक ये उछलता कूदता हुआ बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं 200 IQ लगा के भाई AWM को शॉट चिपकाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन भाई ये 200 IQ 2 IQ भी काम नहीं आता। और भाई अब फिर मैं बॉटो वाली हरकतें करूँगा। देखो भाई डैमेज मैं दे रहा हूँ, किल कोई और ही ले जा रहा है। देखो अरे यार, और भाई यहीं पे ये सिलसिला खत्म नहीं होता। अब आप ये देखो मारो मुझे, मारो मारो मुझे, नहीं, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। और ये सब देखने के बाद तो भाई मेरा मूड पूरी तरह ऑफेंड हो जाता है। बट कोई नहीं दोस्तों, कोशिश जारी रखेंगे अभी भी। बट इतने में ही एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो एनर्जी ड्रिंक लगा के चलते हैं उसकी तरफ। बट भाई जब तक मैं पहुंचता हूं ना, तो वो टीममेट को बिल्कुल ही फिनिश कर देता है। तो पकड़ते हैं अब इसको ही, इसको नॉक करने के बाद इसका टीममेट कवर फायर देने आता है, लेकिन अब उसको भी पकड़ते हैं चलो फिर। लेकिन भाई तभी ये गाड़ी वाले थर्ड पार्टी करने पता नहीं जाने कहां से आ जाते हैं, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी ऐसे होती है ना जैसे शादियों में हलवा बैठता है पूरी तरह। और भाई ये बंदा भी बंदरों वाली हरकतें करता है, लेकिन भाई इसको कोई समझाओ कि ओपन और लास्ट जोन में ये सब नहीं चलता भाई। और ये बंदा भी यहाँ पे पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसको भी पकड़ लेते हैं जैसे तैसे। और एक और बंदा आपको साइड में दिख रहा होगा जो कि कवर फायर दे रहा है, तो अब इसको भी पकड़ते हैं और इसको नॉक करने के बाद अब सीधा रश कर देते हैं सीधा, क्योंकि भाई अगर नॉक किया है तो अंधा रश तो अब करना ही पड़ेगा। और इस बंदे को फिनिश करते ही ये स्क्वाड भी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो अब कुल मिला के बंदे बचे होते हैं 3, जिसमें से एक बंदे को तो अभी मेरा टीममेट निपटा ही देगा। और भाई आप इस बंदे के नशे देखो, पता नहीं कौन सा गत्ता फूंके थे। और अब जोन में तो सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते, तो चलते हैं अब उनकी तरफ भी। और अब आप ये सीन देखो, हमारा 4 नंबर भी पूरी तरह इच्छाधारी सांप बन चुका था भाई। मतलब आगे जोन है वहां नहीं जाना है, लेकिन इच्छाधारी सांप जरूर बनना है। अब आप इससे भी बड़ा गलत सीन देखो, मतलब भाई हम यहाँ आ चुके हैं भाई, तुम कहाँ देख रहे हो उस तरफ। देखो भाई लोग, अब लास्ट बंदे के पास जो है बची होती है मशीन गन, मतलब M249। तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो भाई लोग अगर वीडियो में मज़ा आया तो एक लाइक जरूर कर लेना, और भाई लोग अपने दोस्तों तक तो शेयर कर ही देना भाई, इतना तो कर ही सकते हो यार।